डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सिक्स एक्सरसाइज 6F को कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो हम एलसीएम लेके करते हैं, तो एलसीएम लेने का एक शॉर्ट मेथड भी इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें इस तरह से निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से फर्स्ट स्टेटमेंट को, तो जो डिनोमिनेटर है 3/4 प्लस 1/8। अब नीचे जो है 4 और 8। अब आप ध्यान दें, जो बड़ा है दोनों में से, 4 और 8 में से बड़ा है 8, और 8 जो है वो 4 की टेबल में आता है। तो जब ऐसी स्टेटमेंट हो जिसमें बड़ा डिनोमिनेटर छोटे वाले की टेबल में आ रहा हो, तो वही का वही एलसीएम होता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 8। अब आपको क्या करना है, 4 की टेबल में देखना है 8 कितने पे आता है। 4 2 जा 8, 2 पे, तो 2 के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6। फिर प्लस 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है? 1 पे, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो आंसर हमारा बन जाएगा 7/8। तो देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आप करेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें 10 और 5 है, और बड़ा 10 है, और 10 5 की टेबल में भी आता है, तो यही एलसीएम होगा इसका। अब 10 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 1 पे, 1 3 जा 3। प्लस 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 2 पे, 2 2 जा 4। तो ये बन गया टोटल 7/10। इस तरीके से आपने इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट है 1/6 और 2/3, तो इसका एलसीएम कितना बनेगा? इसका एलसीएम बनेगा 6। अब 6 की टेबल में 6 कितने बताया? 1 पे, 1 1 जा 1। प्लस 3 की टेबल में 6 कितने बताया? 2 पे, 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा हमारा 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से आप करेंगे। इनका एलसीएम होगा 12, और 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे, 6 के ऊपर 1 से करेंगे 6, प्लस 12 की टेबल में 12 1 पे, तो 1 1 जा 1। तो ये हो जाएगा 7/12। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है, इसमें है 1/4 3/8, तो इसको आप एलसीएम को लिखेंगे 8, 4 की टेबल में 8 कितने पे आता है? 2 पे, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, ऊपर 1 है ना, तो 8 की टेबल में 8 कितने पे आता है? 1 पे, तो 8 1 पे आता है, तो 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 5/8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से, इसका एलसीएम बनेगा 12 की टेबल में 12 1 पे, तो 7, प्लस 3 की टेबल में 12 आता है 4 पे, 3 4 जा 12, 4 के ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4, तो ये बन जाएगा 11/12। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है 8/10 1/2, तो इसका जो एलसीएम है वो आएगा 10, क्योंकि 2 की टेबल में 10 आता है और 10 बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, प्लस 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये हो जाएगा 13/10। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हो, 1 3/10, तो कैसे भी लिखें आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 और 6 की टेबल में 2 पे आता है 12, 6 2 जा 12, तो 5 2 जा 10, प्लस 12 की टेबल में 12 1 पे, तो 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/12। फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बनाना चाहें तो 1 5/12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है 3 स्टेटमेंट वाला, लेकिन फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। इन तीनों में देखो आप, तीनों में से बड़ा है 10, और 10 बाकी दोनों की टेबल में आना चाहिए, आ रहा है ना, 2 की टेबल में भी 5 की टेबल में भी, तो ये 10 एलसीएम आ जाएगा। 10 की टेबल में 10 आता है 1 पे, तो 3 ऐसे कैसे आएगा, फिर प्लस 2 की टेबल में 10 आता है 5 पे, 5 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5, फिर प्लस 5 की टेबल में 10 कितने पे आता है? 2 पे, 2 3 जा 6। अब इन सबको हम प्लस कर देंगे, तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 5 और 3 8 और 6 14 14/10, ठीक है। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चाहें तो चेंज कर सकते हैं, 2 की टेबल पे कैंसिल भी होता है ये, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 7/5, और मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 1 2/5, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका एलसीएम रहेगा 12, क्यों रहेगा 12? क्योंकि 12 बाकी दोनों की टेबल में आ रहा है, तो 4 3 जा 12 होता है, 3 3 जा 9, फिर प्लस 12 की टेबल में 12 1 पे, तो 5 एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 की टेबल में 12 कितने पे आता है? 4 पे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इन सबको हम प्लस कर देंगे, 9 और 5 14 और 8 22, तो ये आ जाएगा 22/12, 2 पे काट सकते हो आप इसको, 2 6 12 2 11 22, तो 11/6 भी लिख सकते हो आप। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1 5/6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में एलसीएम रहेगा 6, क्योंकि 2 और 3 की टेबल में आता है, 2 3 जा 6 होता है, 3 1 जा 3, प्लस 6 की टेबल में 6 1 पे, तो ऊपर आ जाएगा 5, और आगे हम लिखेंगे 3 की टेबल में देखते हैं 6 कितने पे आता है? 2 पे, 2 की ऊपर वाले 7 से करेंगे, 2 7 जा 14, तो ये बन जाएगा 22/6।
सिक्स, आगे टू पे कैंसिल कर दीजिए, टू थ्री जा सिक्स, टू इलेवन जा, तो इलेवन बाई थ्री आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं आप इसको, थ्री टू बाई थ्री। फिर नेक्स्ट है इनका एलसीएम आएगा टेन। अब टेन की टेबल में टेन वन पे, तो थ्री एज इट इज आ जाएगा, प्लस फाइव की टेबल में टेन कितने पे था, फोर टू पे सॉरी, फाइव टू जा टेन, तो टू फोर जा एट, प्लस टू फाइव जा टेन होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू वन जा टू की टेबल में टेन आता है फाइव पे, फाइव के ऊपर वाले वन से करेंगे तो फाइव। अब इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये बन जाएगा हमारा पाँच और तीन आठ और आठ सोलह, सोलह बटे में दस, इसको कैंसिल कर देंगे हम, टू फाइव जा टेन, टू एट जा सिक्सटीन, तो एट बाई फाइव आ जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो वन थ्री बाई फाइव। नेक्स्ट है मिक्स फ्रैक्शन है तो बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी। क्या करोगे आप इसको सॉल्व करोगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो एट वन जा एट प्लस फाइव थर्टीन बाई एट, ठीक है, फिर प्लस वन बाई एट। अब नीचे बिल्कुल सेम है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं एट थर्टीन और प्लस वन फोर्टीन, इसको आप कैंसिल कर सकते हो टू की टेबल पे, तो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा टू फोर जा एट टू सेवन जा तो सेवन बाई फोर आ जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है सिक्स बाई टेन, ये तो एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस थ्री टू जा सिक्स प्लस वन सेवन, तो सेवन बाई टू, तो इनका एलसीएम जो रहेगा वो टेन। अब यहाँ पे आ जाएगा सिक्स क्योंकि टेन और टेन सेम है, यहाँ टू फाइव जा टेन होता है, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा फोर्टी वन बाई टेन, ठीक है। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो फोर वन बाई टेन भी आप इसको लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स फ्रैक्शन दोनों ही हैं, तो नाइन टू जा एटीन प्लस वन नाइनटीन, फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई नाइनटीन बाई नाइन। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो थ्री वन जा थ्री प्लस वन फोर बाय थ्री, इनका एलसीएम आएगा नाइन, तो यहाँ पे नाइनटीन आ जाएगा, प्लस थ्री थ्री जा नाइन होता है तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, इसको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा नाइन टू इलेवन वन थ्री थर्टी वन बाई नाइन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपने चेंज कर देना है। नेक्स्ट स्टेटमेंट फाइव वन जा फाइव प्लस फोर नाइन बाय फाइव, प्लस यहाँ पे आ जाएगा टेन टू जो ट्वेंटी प्लस सेवन ट्वेंटी सेवन बाई टेन, इनका एलसीएम कितना रहेगा टेन, इसको आपने आगे सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है उसी से, इसमें सिर्फ हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको ध्यान देना है नीचे एलसीएम लेना पड़ता है हमें, एलसीएम फिर से बड़ा जो है वो छोटे वाले की टेबल में आ रहा है, तो एलसीएम यही रहेगा एट, टू की टेबल में एट कितने पे आता है फोर पे, तो फोर ऊपर वन से मल्टीप्लाई होगा तो फोर वन जो फोर माइनस एट, यहाँ एट है यहाँ पे भी एट है सेम, तो ऊपर आ जाएगा थ्री, तो फोर माइनस थ्री वन बाय एट। फिर नेक्स्ट है टू, नीचे ध्यान दें आप, नीचे एलसीएम रहेगा नाइन, थ्री की टेबल में नाइन थ्री पे आता है, तो थ्री टू जा सिक्स माइनस नाइन नाइन सेम, तो टू एज इट इज, तो यह आ जाएगा फोर बाय नाइन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखें, इसका एलसीएम रहेगा टेन, अब टेन टेन सेम, तो नाइन ऊपर वाला ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस यहाँ पे फाइव है, फाइव की टेबल में टेन कितने पे आता है टू पे, तो फाइव टू जा टेन, तो टू के ऊपर वाले थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू थ्री जा सिक्स, तो ये आ जाएगा थ्री बाय टेन, ठीक है, इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट भी सेम, इनका जो एलसीएम रहेगा वो रहेगा सिक्स, तो उसके बाद सिक्स रहने के बाद आप देखें यहाँ पे सिक्स है सिक्स है, तो सेम, तो फाइव तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस थ्री की टेबल में सिक्स कितने बताए थ्री टू जा सिक्स, तो टू टू जा फोर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा वन बाय सिक्स। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट, इसमें मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं हम, फाइव वन जा फाइव प्लस फोर नाइन बाय फाइव, माइनस टेन वन जा टेन प्लस वन इलेवन बाय टेन, तो इनका जो एलसीएम रहेगा वो कितना रहेगा, फाइव और टेन का एलसीएम टेन। अब फाइव की टेबल में टेन कितने बताए टू पे, टू नाइन जा एटीन माइनस इलेवन, एटीन में से इलेवन को आप माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका सेवन बाय टेन, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी सेम, ए टू जो सिक्सटीन प्लस सेवन, सोलह और सात पच्चीस होता है ना, तेईस सॉरी, सोलह और सात तेईस, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी थ्री बाई एट, माइनस फोर वन जो फोर प्लस वन फाइव बाय फोर, फाइव बाय फोर, तो इनका एलसीएम रहेगा एट, यहाँ पे आ जाएगा ट्वेंटी थ्री माइनस फोर टू जो एट होता है तो फाइव टू जो टेन, तो ये आ जाएगा थर्टीन बाई एट। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको वन फाइव बाई एट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है सेम ऐसे ही आपको इसको सॉल्व कर देना है, फाइव थ्री जा फिफ्टीन प्लस टू
17 बाई 3 माइनस 5 बाई 12, तो एलसीएम इनका 12 रहेगा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है आगे। फिर नेक्स्ट है आई पार्ट, जो है सेम इसी मेथड से आपको करना है। फर्स्ट हम देखते हैं इनका एलसीएम, एलसीएम निकालने से पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। 4 टू जो 8 प्लस 1 9, तो ये हो जाएगा 9 बाई 2 माइनस 3 बाई 10, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 10, 2 5 जा 10 होता है तो 5 9 जा 45 हो गया, माइनस 10 एज इट इज़ तो 45, 45 में से हम माइनस करेंगे 3 को तो ये आ जाएगा हमारा 42 बाई 10, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 2 5 जा 10 21 बाई 5 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट जो है हमारा, इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो आप। फिर नेक्स्ट है सेम इसी मेथड, 6 1 जा 6 प्लस 1 11, 6 प्लस 5 11 बाई 6 माइनस 1 बाई 3, तो इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 6, इसके बाद 11 यहाँ पे माइनस 3, 2 जा 6 होता है तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 बाई 6, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं 3 की टेबल पे, तो 3 पे कैंसिल करोगे 3 2 जा 6 3 जा 9, तो 3 बाई 2 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 1 बाई 2 भी आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, खुद कर लेना है आपने, एलसीएम 6 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम इसी तरीके से आपको करना है, एलसीएम इनका 12 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4, 3 जा 12 होता है तो 3, तो ये आ जाएगा 2 बाई 12 और इसको कैंसिल करोगे आप तो 1 बाई 6। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फिर से मिक्स फ्रैक्शन वाली आ चुकी है, तो इसको आप कैसे करोगे, 10 3 जा 30 प्लस 5 35 बाई 10, फिर माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2 7 बाई 5, ठीक है, तो इसको आप एलसीएम लोगे और माइनस करोगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा एम, इसका आंसर आएगा 21 बाई 10, ठीक है, या फिर 21 बाई 10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो एन पार्ट को, तो ये हो जाएगा 10 5 जा 50 प्लस 7 57 बाई 10 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 2 12 बाई 5, इसका एलसीएम रहेगा 10, यहाँ आ जाएगा 57, 5 टू जा 10 होता है ये हो जाएगा 24, इसको आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। सेम इसी मेथड से आपने इन दोनों सम को भी कर लेना है। ये हमने इस वीडियो में कंप्लीट किया हमारी एक्सरसाइज 6F को। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय भी जरूर दें कैसी लगी आपको वीडियो। धन्यवाद।